कोई भी एजेंट बिना डर लग लिए नहीं भेजेगा। हाँ, यहाँ पर भी हाँ। ये भी बताइए कि यहाँ पर जिसको देखो ना वो कमीशन लेके जॉब दे रहा है, कमीशन लेके जॉब देता है बिना कमीशन को भी कुछ। तो इनका कुछ इंटरव्यू लेने वाले हैं, क्या सीन है यहाँ पर, वैकेंसी के बारे में बताएंगे आपको, यहाँ का माहौल कैसा है वो बताएंगे। ठीक, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और आप देख रहे हो माई लाइफ यात्रा यूट्यूब चैनल। गाइस अभी हम देहरा दुबई छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जॉब सर्च की लेकिन नहीं मिली, यहाँ कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। अभी हम शारजा जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ में है देखिए हरेन भाई और कई लोग, और हमारे साथ में अभी मिले हैं सोहन भाई, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल भी इनका है। तो इनका कुछ इंटरव्यू लेने वाले हैं, क्या सीन है यहाँ पर, वैकेंसी के बारे में बताएंगे आपको, यहाँ का माहौल कैसा है वो बताएंगे। ठीक है, कि जॉब वगैरह क्या अभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं बैक कैमरे से इनके बारे में बताता हूँ, उनका चैनल भी है, क्या नाम है चैनल, सोहन भाई दुबई, सोहन भाई दुबई का, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। तो सोहन भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताइए कैसी कट रही दुबई की लाइफ। दुबई की लाइफ जिसके लिए सेट जो सेट है उसके लिए सही, उसके लिए सही है ना। अच्छा, कितना साल हो गया आपको इधर? एक साल हो गया। एक साल हो गया है ना, एक साल का एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। तो ये बताइए हमें कि अभी जॉब वगैरह क्या कंडीशन है? अभी हम लोग तो यहाँ पे देहरा में थे, अभी हम शारजा जा रहे हैं, तो थोड़ा ये बताइए, जो हमारे व्यूवर्स हैं आपके भी सब्सक्राइबर होंगे इसमें, ठीक है, तो कि अभी जॉब मिल रही है आसानी से मिल रही है कि मुश्किल से मिल रही है, थोड़ा ये रियल बताना है भाई। ठीक है, हम पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं और हाँ। पूरा ग्राउंड लेवल पर घूमते हैं पूरा। हाँ हाँ, पूरा एकदम देहरा दुबई जो है ना, हाँ पूरा हाँ। एरिया हम लोग का है, हम लोग पूरा अगल बगल सब बिल्डिंग है, हम लोग रियल इस्टेट में काम करते हैं। जी जी जी। तो जॉब के लिए अभी वीजा का भी कुछ अपडेट हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो आदमी हिम्मत रखेगा, कोशिश करेगा, ऐसा नहीं मतलब अगर जा जाते हैं 10 दिन 15 दिन में आप बोलते हैं नहीं जॉब नहीं मिल रहा, जैसे कोई मिल गया भाई मेरे को जॉब नहीं है, आप उसको लेकर चलेंगे, उसको नहीं मिला तो मेरे को कैसे मिलेगा। तो देखिए, कोई सेट हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है, अगर जो कोशिश करते हैं जहाँ थोड़ा किस्मत पे भरोसा करना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेहनत ही रंग लाता है। तो ये कोशिश करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम बीजेपी पर आए? हाँ, पहले 3 महीने का हम बीजेपी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर? उसके बाद में हमारा कंपनी बोला कि हम देखेंगे 2 महीने तक, अगर 2 महीने तक अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा हम आपको जॉब देंगे, वीजा देंगे, नहीं तो हम आपको रिटर्न भेज देंगे। अच्छा, ऐसा मैं 3 महीना पूरा कंप्लीट किया, फिर अच्छा। 1 महीना में एक्स्ट्रा भी हो गया, मेरा फाइन भी आ गया था। अच्छा, 4 महीना मेरा हो गया, उसके बाद से कंपनी काम देखा, उसके बाद से बोला ठीक है मैं आपका विजिट लगाऊंगा लेकिन 2 साल की इधर छुट्टी नहीं दूंगा। अच्छा। मैं बोला चलो इतना दिन आ गया है तो 2 साल काट के जाएंगे। अच्छा, छुट्टी नहीं? फिर हाँ, मैं बोला ठीक है आप मेरा वीजा प्रोसेसिंग में डालो, मैं 2 साल छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, फिर मैं बोला वीजा का आधा पैसा आपसे काटूंगा और विजिट का भी पैसा काटूंगा। जो रियल है ना वही है ना, वो रियल है। हाँ। बस मेरा सब कुछ, यानी कि कम वीजा का 2000 काटा टोटल? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, तो मेरा वीजा का जो हुआ जब हाँ। काम में किया हाँ। तो फिर मैं 4 महीना और किया, 8 महीना मेरा हो गया जब। अच्छा। तो मेरा कंपनी बोला मैं तुम्हारा विजिट का भी पैसा नहीं काटूंगा। अच्छा। और तुम्हारा जो एम्प्लॉयमेंट वीजा डाला उसका भी पैसा नहीं काटूंगा। यहाँ कंपनी मतलब हैप्पी हो गया, मतलब काम देख के। और टिकट का जो भी मेरा खर्चा था 35,000 रुपया कोरोना टाइम में हम आए थे, वो भी खर्चा मेरा वो दिया, टिकट का पैसा भी दिया, विजिट का भी पैसा नहीं काटा, और जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेसिंग लगा 6,500 दरम वो भी कंपनी लगाया। अभी खुश है, कंपनी पूरा ट्रस्ट करती है और काम कर रहे हैं। आप उसको प्रॉफिट दिखा रहे हो? प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना अभी पूरा, अगर देखिए मेहनत है, कोशिश करते हैं, दिल से काम करते हैं, अभी पूरे कंपनी में जैसे हम लोग का जो लाइन है सबसे टॉप पे, अभी मेरा आप खुद बोलते हैं ऑफिस में जब हम लोग सैलरी टाइम होता है कि सबसे टॉप में 1 साल के अंदर बंदा आया, तुम लोग से ऊपर है, सिर्फ अपना दिमाग से और मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो ये भी बता दो कि अभी जो काम है आपका, काम के बारे में थोड़ा आप बताओगे? ये मेरा काम है, जैसे मेरे पास अभी मेरे अंडर में 6 बिल्डिंग है। हाँ। अब उसका 6 बिल्डिंग का हम लोग का एक रूम का हम लोग रेंट होता है 3,000 तरह। अच्छा। तो 6 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का मंथली हम लोग कंपनी के दरम आता है 45,000-55,000 तरह। 6 बिल्डिंग से हम लोग 3.5-4 लाख दरम उठा के 10 तारीख से 15 तारीख के अंदर मंथली रेंट लेता है, मंथली रेंट लेते हैं और उसको कंपनी में उसको पे करते हैं और उधर से रिसीप लेके कस्टमर को देते हैं, आपका ये पेमेंट है, आपका स्लिप है, ये हम लोग करते हैं। उसके बाद से मेरा ही बिल्डिंग में जैसे मेरा अंडर में कुछ इस रूम खाली हो गया, उसको पेंटिंग करना है, वो भी हम करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो रूम का जो होता है जैसे चार्ज होता है, हमको भी उसमें भी प्रॉफिट मिलता है। मेरा सैलरी अभी 1300 है और मैं 700-800 एक्स्ट्रा मैंने 2100 मेरा इंडिया का 35,000 आराम से कमा लेते हैं खाते। सही बात। तो बस यही है, अभी क्या है कि अभी तो 1 महीना का विजिट वीजा आ गया है। हाँ। तो हम यही बोलेंगे कि 2 महीना कम से कम विजिट वीजा लेकर आइए। हाँ, अभी जो विजिट पे आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, जॉब वगैरह यहाँ पे मिल रही है, अभी 1 महीना का विजिट लेके आना चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 महीने का विजिट हमारे ख्याल से नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सब्र कीजिए। 3 महीने का कम से कम
कम से कम 3 महीने का विजिट होना चाहिए और बजट कितना होना चाहिए भी बताओ। बजट कम से कम आप समझ लीजिए आपको कि जो एजेंट को देते हैं 1.5-2 लाख, हाँ, तो उतना तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग 1,80,000, हाँ, एक लाख तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एजेंट बिना 1.5 लाख लिए नहीं भेजेगा। हाँ, यहाँ पर भी, हाँ, ये भी बताइए कि यहाँ पर जिसको देखो ना वो कमीशन लेके जॉब दे रहा है, कमीशन लेके जॉब देता है, बिना कमीशन को भी कोई बात नहीं कर रहा है, बिना कमीशन का हम लोग का खुद कंपनी में रूम नहीं रोक देता है। हाँ, एक रूम जॉब लेने आप जाएंगे, हाँ, हाँ, तो कम से कम आपको 600-700 दरम रूम कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कंपनी वाले प्राइवेट में, सही बात, कंपनी वाले सिर्फ 300 पेपर चार्ज लेते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप यहाँ पर बेड स्पेस भी ढूंढोगे ना तभी वो 10-5 तक कमीशन लेगा, 150-200 कमीशन है बेड स्पेस पे। अभी इधर का बेड स्पेस चल रहा है पूरे 13-2 में, अच्छा से अच्छा लेंगे तो 350। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर जो ये मतलब प्राइवेट में लेते हैं कचरा वचरा बिल्डिंग में तो 200-250 में मिल जाएगा। तो हम यही बोलेंगे अगर जो खुद से आते हैं जॉब ढूंढने के लिए तो 2 महीने का विजिट ले लीजिए और कम से कम अपना खर्चा 40,000। और मेरा और हरेंद्र भाई का सजेशन ये रहेगा भाई, कोई जब तक रेफरेंस नहीं है तब तक दुबई नहीं आया है ना, और हरेंद्र भाई से यही बोलेंगे कि आप आ गए हैं तो 1 महीने का विजिट है आपके पास टाइम है, तो हम बोलेंगे 20-25 दिन तक देखिए, अगर जो आते हम बोलेंगे कि नहीं चले जाएंगे, जैसे मेरे साथ में कोई बहुत लोग मिलते हैं मेरा काम नहीं है मेरा जॉब नहीं है, तो वो आप उनका किस्मत अलग भाई है, हमने किस्मत अलग है। सोहन भाई हमने शायद आपने भी देखा हो, हमने भी देखा है कि बहुत लोग रात में यहाँ पार्क में भी सोए हैं, मालूम सोते हैं, अभी हम लोग का हमारे सामने बिल्डिंग का जस्ट सामने मेरा नाइफ, मैं अभी एक बंदे को दिखाता हूँ, देखो मैं इधर देखो ये सामने वो देखो एक बंदा सोया हुआ है, देखो देखो पार्क में सोया हुआ है, तो ये मतलब जल्दीबाजी में करके नहीं है मेरे को दुबई, हाँ, जाना है जल्दीबाजी में नहीं है कि भाई ऐसा यहाँ नहीं कि ये देखो पेड़ लगे हैं तो इसमें पैसे लगे हुए हैं, ठीक है इसमें पत्ती लगी जैसे इंडिया में पेड़ है वैसे पेड़ यहाँ पर भी है, सब कुछ यहाँ 1,80,000-90,000 तक खर्चा लेके आइए, 2 महीने का विजिट लेकर आइए, 2 महीने तक कोशिश करें, जहाँ तक कोशिश हो सके भाई एम्प्लॉयमेंट वीजा मिले तब तो कोई भी कंट्री में जा सकते हो आप, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, है ना। तो भाई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो फैमिली है, सोहन भाई का एक चैनल है ना सोहन भाई दुबई के नाम से, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, हाँ, रियलिटी बतला, हाँ, थोड़ा ये देखिए यहाँ इनका पूरा ये समझ लो इनका इलाका है, यहीं पर इनकी बिल्डिंग है कई, और उसमें रेंट वगैरह मतलब किसी को अगर बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए या किसी को बेड स्पेस चाहिए तो ये बेड स्पेस दिलाने का काम करते हैं, ठीक है, और किसी को चाहिए, हाँ पूरे देहरा में हम लोग ऐड करते हैं, हाँ पूरे देहरा में आप लोग ऐड करते हो, है ना, गोरखपुर, हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के हैं भाई, ये वही क्या है, बस आप लोगों की दुआ से अच्छा से कमाते हैं, हाँ हाँ, और मेहनत किए जो मेहनत करेगा बस, भाई बहुत दिन से मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं हमारी, फाइनली आज मुलाकात हुई, देखिए किस्मत देखिए और समय देखिए कि एक दिन ऐसा था कि हम देखते थे कभी हम दुबई जाएंगे तो मिलेंगे, हाँ दुबई, लेकिन ये भी सोचते थे कि दुबई में ये कहाँ होंगे हम कहाँ जाएंगे, हाँ देखो अभी समय पलट गया है, हम विजिट पे हैं और ये कंपनी रेसिडेंट्स वीजा पे हैं, है ना, अभी समय पलट गया है, तो गाइज कभी अपना टाइम और अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है, है ना, जैसे हम लोग जैसा हमारा स्वभाव है ना वैसे ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर सब लोग अपना आ जा रहे हैं अपनी जॉब पे जो लगे हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग जॉब पर नहीं हैं, जो लोग मेरे भाई इधर देहरा में आना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, मैं इनका नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को अगर बेड स्पेस चाहिए किसी को रूम चाहिए तो ये भाई से मिल सकता है, कुछ व्यक्तिगत भी प्रॉब्लम है वो भी हम कर सकते हैं, हम लोग बहुत लोगों को कहते भी है भाई, मतलब जितना मुश्किल से आए हैं सच बता दें आपको, मेरा कोई भी कंट्री को होता है नेपाल का अच्छा। या पाकिस्तान का, तो हम जितना मेरे से हो सकता है उसको हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, चलिए ऐसे ही होना चाहिए, विदेश के अंदर भाई अगर कोई अपना बंदा है तो हेल्प करना चाहिए किसी को भी, है ना, किया था थोड़ा ज्यादा नहीं किया था, हाँ कल हरेन भाई ने शायद आपने वीडियो देखी होगी, उसके पास आईडी वगैरह सब कुछ था, जॉब नहीं मिल रही थी तो भाई ने उसको कुछ खिलाया पिलाया था, जितना मतलब बहुत नॉर्मल सा था वो, हेल्प के नहीं बोल रहे हैं लेकिन करना चाहिए यार, हाँ वो सुबह से भूखा था बेचारा, खाया नहीं तो हमारा नंबर हमसे मिल सकता है, हम अपने बिल्डिंग में सुलाएंगे खाना खिलाते, 3-3 महीने तक हम लोग वो खाना खिलाते हैं अपने, मेरा खुद खाना बनाता हूं, हाँ हाँ नहीं है मुसीबत में है तो बहुत ऐसे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जो फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन उसके पास पैसे हों तो वहाँ जाना अच्छा नहीं है ना। तो चलिए आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सोहन भाई की कुछ ये एक्सपीरियंस था सोहन भाई का,
शेयर किए। हाँ, और वीडियो को शेयर कीजिए आगे ताकि उसका भी चैनल सब्सक्राइब हाँ। कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है देखिए फेक वीडियो तो मैं ये बोलूंगा फेक वीडियो तो बहुत बनता है, लेकिन जो रियल है ना वो इन्हीं हम ही लोग दिखाते जो ग्राउंड लेवल के लोग। सही बात है। हाँ, और बाकी लग्जरी लाइफ तो भाई बड़े लोगों के लिए है ना। और एक बात, यहाँ देरा के बारे में थोड़ा जो इलाका कैसा है थोड़ा ये भी बता दो यार, कि जो लोग यहाँ पर नए नए आते हैं ना फर्स्ट आएंगे तो सबसे बेस्ट एरिया है देरा दुबई। हाँ, सबसे बेस्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दो नंबर भी काम होता है, इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कर दीजिए। खुल के नहीं करिए लेकिन अंदर अंदर देखिए, दुबई में तो दो नंबर काम पूरा दुबई में होता है, पूरा दुबई में। हाँ, आप जब इधर आएंगे, जब इधर उतरेंगे ग्राउंड पे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन आदमी गलत लगता है, कौन आदमी सही लगता है। हाँ, आपको तो अपने नाइट में जो है नाइट में जो है दो नंबर का काम होता है। हाँ, लेकिन वो लोग का ज्यादा फॉलो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और हमारे इधर ये साइड में तो है होता है। हाँ, हाँ, अभी जो है पूरा कम हो गया, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो मतलब पूरा रोड पे ऐसा ही खुला होता था, लेकिन अभी जो है पूरा इधर पुलिस थोड़ा अभी पुलिस ज्यादा आती है रोजा के बाद से, रमजान के बाद से पूरा कोशिश हुआ। अभी हमारे बिल्डिंग के आसपास तो कोई दिखता ही नहीं। अच्छा, मेरा पहले पार्क था। फिलहाल जो लोग आना चाहते हैं थोड़ा केयरफुल रहे ना, देरा दुबई में या नेव दुबई में दुबई में जो आ रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहे भाई, किसी से बात नहीं करने, मतलब लेडीज से तो किसी से भी नहीं, काले लोगों से, खासकर काले लोगों से बात ही नहीं करना। हाँ, खासकर काले लोगों से अपना कोई इंडिया पाकिस्तानी भाई उससे बात कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, और आपको झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना किसी से। देखिए चाहे कितना ही गलती दूसरे में हो, लेकिन कम से कम आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ, कैसे कि अगर आप में गलती नहीं है, अगर उसमें गलती है आप हाथ उठा दिए तो फिर आपका ही प्रॉब्लम। दुबई में खासकर तो विजिट वीजा वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। चलिए ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, और शुक्रिया, फिर मिलते हैं। मिले आपसे। हाँ, मिले, हमको बहुत खुशी हुआ कि कम से कम मेरा ये हुआ कि चलिए मिल तो गए हम आपसे। चलिए सही है, और बाकी कोई भी आता है। चलिए हरेन भाई, हम लोग चलते हैं फिर, है ना। ओके, कहीं जॉब सर्च करते हैं भाई। मिलते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।